नमस्कार, मैं सूफिया यास्मीन आप सभी का स्वागत करती हूँ, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में, उनकी बीमारियाँ और उनके उपचार। आज चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर से डॉक्टर मीनल मोहित, कंसल्टेंट डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी, डॉक्टर पूनम गोयल, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सूफिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला सवाल डॉक्टर मीनल आपसे है, मैं जानना चाहूंगी कि भारतीय महिलाओं के स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति क्या है और उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। थैंक यू सूफिया। भारतीय महिलाओं और स्वास्थ्य, इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक, क्योंकि अगर हम स्वास्थ्य और महिलाओं की बात करें तो हमारे पास आज खून की कमी, दैट इज एनीमिया से शुरू होकर डायबिटीज, मधुमेह, थायराइड, ओल्ड एज में जाके हड्डियों में कमजोरी आ जाना जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ऑलमोस्ट हर बीमारी ऐसी है जो विमेन, स्त्री के जन्म से लेकर उसके शैया तक, लाइक राइट फ्रॉम वूम टू टूम्ब, हर तरह से हमारी विमेन, हमारी स्त्रियां आज स्वास्थ्य चैलेंजेस, स्वास्थ्य की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। तो इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक। प्रिसाइसली मैं अगर अपने ही डिपार्टमेंट की बात करूं केवल एंडोक्रिनोलॉजी की, तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर बता पाऊंगी। तो आप जानेंगे कि आज मधुमेह जो एक पेंडेमिक बन रहा है वो भी वुमेन में बहुत कॉमन पाया जाता है। थायराइड प्रिसाइसली वुमेन को ज़्यादा अफेक्ट करता है। ऑस्टियोपोरोसिस अगेन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो सभी बीमारियां जो खासकर एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट से कंसर्न है वो वुमेन में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और उनको ज़्यादा हिट करती हैं। बिल्कुल मैम, आपने काफ़ी अच्छे से हमें बताया कि वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ। डॉक्टर पूनम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस स्थिति को बेहतर हम कैसे बना सकते हैं। ओके फाइन। बेहतर बनाने का मतलब, पहली बात तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम एक हेल्थ इशू की बात करते हैं तो इट्स नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, इट्स ऑल्सो अ मेंटल हेल्थ। तो मेंटल वेलबींग और फिजिकल हेल्थ दोनों साइड बाई साइड जाते हैं, और स्पेशली जब हम एक वुमेन की बात करते हैं या फीमेल की बात करते हैं तो उसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वुमेन इज एक्चुअली अ बैकबोन ऑफ फैमिली, ऑफ सोसाइटी, ऑफ एवरी वर्क कल्चर। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि फीमेल्स एक्चुअली में हिचकिचाती हैं, बताने से हिचकिचाती हैं, अपने लिए टाइम निकालने से हिचकिचाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है वो है एक्नॉलेज द प्रॉब्लम। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को खुद एक्नॉलेज नहीं करेंगी, अपनी प्रॉब्लम को खुद नहीं समझेंगी कि वेदर यू आर फिजिकली फिट, वेदर यू आर फिजिकली हेल्दी, मेंटली क्या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपको कोई चैलेंज आ रहा है या कोई इमोशनल अपसेट है आपका, तब तक कोई दूसरा इस चीज़ को जज नहीं कर सकता है। आपने इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लिया, नाउ पॉइंट कम्स एड्रेसिंग द इशू। एड्रेस करने के लिए यू रियली नीड समवन जो आपके आसपास हो, नियर एंड डियर हो, फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो, जिससे जाकर आप अपनी इस बात को कह सकें, उसे शेयर कर सकें। थर्ड थिंग आती है एक्सेसिंग टू द सिचुएशन। आपने अपनी समस्या समझी, आपने उसे दूसरे बंदे से शेयर किया, आपने उसको रियलाइज किया कि क्या प्रॉब्लम है। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और नियर बाई सोशल वर्कर्स। तो आप वहां जाके उस समस्या को एक्सेस करें। ये तीन स्टेप्स अगर एक फीमेल प्रॉपरली फॉलो करे तो मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे, जिनका सॉल्यूशन किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी मेंटल और फिजिकल कंडीशंस हैं जिन पे हम ओवरकम कर सकते हैं। सेकंड थिंग अगर हम देखें तो ये एक जो वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन हेल्थ है, ये दोनों तरफ का इशू है। जितना ये पर्सनली फीमेल्स का इशू है उतना ही ये सोसाइटी का भी प्रॉब्लम है या गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम है। तो उस लेवल पे भी हमें कुछ काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि गवर्नमेंट लेवल पे अगर देखें तो नुक्कड़ नाटक या पहले स्किट्स हुआ करते थे जिनके जरिए हम छोटी छोटी समस्याओं को जनता तक पहुंचाते थे, रूरल लेवल तक पहुंचाते थे, या पंचायती लेवल पे कुछ स्कीम्स डेवलप की जाती हैं, लोकल लेवल पे कुछ प्रोग्राम्स डेवलप किए जाएं उनके एंटरटेनमेंट के फॉर्म में, जिनसे उनको अपनी समस्याओं को एंटरटेनमेंट के साथ साथ उनको उनके बारे में समझ में आए कि एक्चुअली में ये कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें तो फीमेल्स ये समझती ही नहीं है कि उनको ये प्रॉब्लम है, वो इसे एक नेचुरल सिचुएशन लेते हुए फ्रॉम होम टू टॉम चलती चली जाती है। तो ये एक तरीका है। सेकंड तरीका ये है कि जो भी हाई एंड थेरेपीज हैं, हाई एंड ट्रीटमेंट्स मेथड्स हैं, हाई एंड टेक्निक्स हैं ट्रीटमेंट की, उन्हें हम रिमोट एरियाज तक, रिमोट पीपल तक पहुंचाएं, चाहे वो बाया अवेयरनेस प्रोग्राम हो, चाहे वो किसी कैंप के थ्रू हो, या फिर वो किसी भी और सरकारी या पर्सनल फॉर्म में हो। सेकेंड थिंग ये आती है। थर्ड थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बिकॉज वी आर इन सच अ सिचुएशन जहाँ फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं जब भी हम किसी भी हेल्थ इशू को के लिए ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं।
तो वहाँ हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत बड़ा रोल है। और एक्चुअली में देखा जाए तो फॉरेन कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता बहुत कम है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवाते भी हैं तो उसमें भी बहुत सारी डिसीजेज हैं, जैसे कैंसर है या कुछ हाई एंड डिसीजन, जिनको कवर नहीं कराते लोग। उन्हें ये लगता है ये तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, या हम इस सिचुएशन से कभी मतलब हमारा रूबरू होगा ही नहीं, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम सच में डाटा को देखें तो एक डाटा, एक रैंडम डाटा है, मैं किसी उसको हाईलाइट नहीं करना चाहूंगी, कि आज से 2050 तक हर 10% में एक को कैंसर होगा। तो अगर इस डाटा को हम एक रफ उसमें भी माने, रफ एंड पर भी माने, तो हर फैमिली में एक कैंसर का पेशेंट होगा, वो मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। बट कितने लोग हैं जो कैंसर के अगेंस्ट या हाई एंड ट्रीटमेंट उसके लिए कहाँ इंश्योरेंस कराते हैं? तो ये एक लेवल है, लेवल वन ग्राउंड लेवल पे हम इसके उसके थ्रू अवेयरनेस फैलाएं। लेवल टू हम कुछ ऐसी स्कीम्स डेवलप करें जिनसे हमारे नॉर्मल पॉपुलेशन, गांव की पॉपुलेशन या जनरल पॉपुलेशन उससे कनेक्ट हो। एंड थर्ड थिंग ये है कि इंश्योरेंस कवर के थ्रू हम अपने ट्रीटमेंट की, जो हमारा ट्रीटमेंट हम करवा सकते हैं, हम उसको श्योर करें, इंश्योर करें। सो दीज आर द वे दैट वी कैन हेल्प प्रोवाइड एंड द सोसाइटी कैन हेल्प अस आल्सो एज अ ग्रुप। थैंक यू सो मच सोफिया। इफ आई जस्ट गिव फ्यू इनपुट्स, सबसे पहला हम परिस्थितियों को कैसे बदल सकते हैं, जैसा कि पूनम ने बहुत इलैबोरेटेडली हम सबको बताया विस्तार पूर्वक। मैडम ने ये बोला हमें मेंटल लेवल पे सोचना है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, मानसिकता में बदलाव। अगर आज कोई स्त्री अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करने की कोशिश भी करती है तो ये माना जाता है कि ये स्त्री बेहद स्वार्थी है, क्योंकि मी फर्स्ट, ये जो मी फर्स्ट का कॉन्सेप्ट है, ये हमारी हिंदू भारतीय संस्कृति के हिसाब से एक बहुत ही स्वार्थपूर्ण सोच है। तो इस सोच को बदलना है, इट इज नॉट मी फर्स्ट, इट इज मी ऑल्सो। तो वही स्त्री उसी परिवार की, जिस परिवार के स्वास्थ्य की बात हो रही है, उसी परिवार का हिस्सा एक स्त्री भी है। वो माँ भी हो सकती है, वो बेटी भी हो सकती है, वो बहन भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है, लेकिन वो उस परिवार का हिस्सा है। तो मी ऑल्सो, मैं भी, इसको हमें स्वार्थ की दृष्टि से, इट्स नॉट अ सेल्फिश अप्रोच, इसको हमें स्वार्थ दृष्टि से नहीं देखना है, इसे हमें एक टोटलिस्टिक अप्रोच में देखना है कि परिवार का संपूर्ण स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, तो स्त्री का स्वास्थ्य भी उसका एक हिस्सा है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पूनम ने भी बोला, लेकिन जो मेरी नजर से शुरू होता है, वो है शिक्षा। शिक्षा क्लास पहली से होनी चाहिए और हर एक की होनी चाहिए। शिक्षा हर दृष्टि से हमें उस चीज को देखने का नजरिया ही शायद बदल देती है। और जब हमारे पास शिक्षित स्त्री होगी तो शिक्षित बच्चे होंगे और शिक्षित परिवार होगा। और एक शिक्षित माँ, एक शिक्षित बहन या शिक्षित बेटी ही आपको ये बता सकती है कि कब क्या नेक्स्ट हमें करना है और हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो हेल्थ फर्स्ट, मी ऑल्सो, एंड एजुकेशन इज द ओनली आंसर। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने बहुत अच्छे से इस पॉइंट को हमें समझाया है। और जैसा कि मैम आपने थायराइड की बात की, तो अगला सवाल आपसे यह है कि महिलाओं में थायराइड विकार आमतौर से पाए जाते हैं, तो थायराइड महिलाओं को या उनके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, ये बताओ। सोफिया, पहले तो मैं बताऊँ थायराइड होता क्या है, क्योंकि हो सकता है काफी हम सब में से कईयों को ये पता ही नहीं हो कि थायराइड के बारे में जो बात हो रही है तो क्यों हो रही है। थायराइड एक ग्रंथि का नाम है और थायराइड हम सबके गले में एक ग्रंथि होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथि से दो इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जिसको हम नॉर्मली लेमैन सभी जानते हैं, शायद हम T3 और T4 के नाम से जानते हैं। और ये जो थायराइड ग्रंथि हमारे गले में है, इसका कंट्रोल शरीर की सभी ग्रंथियों का मास्टर कंट्रोल ब्रेन से एक दूसरी ग्रंथि होती है जिसको हम पिट्यूटरी बोलते हैं। तो पिट्यूटरी से निकलने वाला एक हॉर्मोन होता है जिसको हम TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन के नाम से जानते हैं। अब होता यह है कि इस पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन TSH का जब असर जाके थायराइड ग्लैंड पर पड़ता है, तो उसके असर से थायराइड TSH के असर से थायराइड ग्लैंड जो है वो दो हार्मोन्स T3 T4 सिक्रीट करता है। और ये जो दोनों हार्मोन है, ये हमारे राइट फ्रॉम द ब्रेन डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, यानी एक बच्चे के मस्तिष्क विकास से लेकर राइट फ्रॉम आर नेक्स्ट जनरेशन, हमारे लिए थायराइड ग्लैंड का वर्किंग हर परिस्थिति में बेहद इंपॉर्टेंट है। एंटायर मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर में जो ऊष्मा, ये जो वार्मथ उत्पन्न हो रही है, जो एनर्जी लेवल्स हैं, या कोई भी तरह की मेटाबॉलिज्म, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, कुछ भी काम चल रहा है, वो सभी थायराइड ग्लैंड से कंसर्न है, थायराइड ग्लैंड उनको कंट्रोल करता है।
अब अगर हम स्पेसिफिकली वुमेन की बात करें तो थायराइड ग्लैंड का जो बैलेंस्ड वर्कआउट है लाइक T3 T4 का नॉर्मल होना बेहद इम्पॉर्टेंट है राइट फ्रॉम प्यूबर्टी, जब एक लड़की अपने मेनार्की या उसका जब मासिक स्राव शुरू होता है राइट फ्रॉम देयर नॉर्मल थायराइड इज रिक्वायर्ड, बच्चे की ग्रोथ हाइट के लिए नॉर्मल थायराइड ग्लैंड इज रिक्वायर्ड। जब एक स्त्री गर्भाधारण करती है व्हेन शी बिकम्स प्रेग्नेंट तब एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए नॉर्मल थायराइड लेवल्स चाहिए, एक नॉर्मल डिलीवरी और एक हेल्दी बेबी के लिए हमें नॉर्मल थायराइड ग्लैंड नॉर्मल फंक्शनिंग चाहिए। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ग्लैंड। अब ऐसे में अगर ये ग्लैंड मान लीजिए काम कम कर रहा है दैट इज अ कंडीशन जिसको हम नॉर्मली हाइपोथायरॉइड बोलते हैं। अगर यही ग्लैंड ज्यादा काम करने लगे जैसा मैं अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि जैसे हमें खाने में नमक की मात्रा है ना हमें कम चाहिए ना हमें ज्यादा चाहिए, हमें बिल्कुल नॉर्मल बैलेंस्ड थायराइड नमक की मात्रा चाहिए हमारे खाने में। थायराइड हॉर्मोन्स का लेवल भी हमारी बॉडी में ठीक उसी तरह है, ना तो हमें ज्यादा चाहिए ना हमें कम चाहिए। एंड इंसिडेंटली बाय द बायस ऑफ नेचर प्रकृति का मान लीजिए दोष है या जो भी कारण मान लीजिए विमेन आर मेजरली हिट। थायराइड डिसऑर्डर्स जो हैं ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं और सभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स नॉट ओनली हाइपोथायरॉयडिज्म नॉट ओनली हाशिमोटोस थायरॉयडाइटिस इनफैक्ट कोई भी आप इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस ले लीजिए या कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं वो यूजुअली वुमेन को ज्यादा हिट करती हैं। इसका कोई रीजन कि व्हाई वुमेन इज मोर हिट बाय ऑटो इम्यून कंडीशंस ऐसा कोई डेफिनेट रीजन या कोई आंसर हमारे पास नहीं है, लेकिन ये है। और जिस भी फैमिली में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं दे ऑल्सो आर कॉमनली रन इन फैमिलीज, मतलब वो उस परिवार में मिलेंगे, नेक्स्ट जनरेशन वाली बेटियां भी उससे प्रभावित होंगी। यहाँ तक कि जब हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं तो हम उनकी पिता की तरफ की हिस्ट्री यानी उनकी बुआ में तो नहीं है या उनकी माँ की तरफ की हिस्ट्री कि आपकी माँ या मासी को तो ये बीमारी नहीं है, क्योंकि यूजली वुमेन को ये ज़्यादा हिट करता है ज़्यादा अफेक्ट करता है और कोई कारण नहीं है, ना ही अनुवांशिकी है, कोई जीन्स पे नहीं है, जेनेटिक्स में नहीं है, लेकिन ये फैमिली में रन करता है। तो वुमेन इज बैडली हिट मोर हिट और दोनों ही हाइपोथायरॉइड एज वेल एज हाइपरथायरॉइड दोनों ही कंडीशंस में वुमेन को ही ज़्यादा हिट करता है। और इसका इलाज भी बहुत ही सिंपल है, एकमात्र एक गोली होती है जो हम पेशेंट्स को देते हैं और वो उन्हें रेगुलर बेसिस पे लेनी पड़ती है, लेकिन रेगुलर लेनी है, नियमित हमें उस दवा का सेवन करना है। बहुत ही छोटा सा आप मानेंगे कि ऐसा भी बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है, एक गोली है जो हमें रोज लेनी है और अगर हम उसको नियमित ले सकें तो हमारा थायराइड बैलेंस एकदम नॉर्मल रह सकता है। थायराइड की जो डोज होती है वो पेशेंट के वजन पे निर्भर करती है। एक ये भी बहुत भ्रांति है कि हर बार पेशेंट आके कहता है मेरी दवाई कम कर दीजिए, जबकि उनको ये समझाना मुश्किल है कि दवा की मात्रा से कुछ बहुत फर्क नहीं आएगा, आपका बैलेंस नॉर्मल होना चाहिए और वो जो डोज है वो आपके थायराइड लेवल से ज़्यादा आपके वजन से शुरू होती है। अगर कोई पेशेंट बहुत हैवी वेट में है तो मुझे उसको ज़्यादा मात्रा की दवा देनी पड़ेगी और अगर कोई पेशेंट बहुत लीन थिन है कम वजन में तो उसकी कम मात्रा की दवा जाएगी। बट इट इज़ ईजी टू मैनेज, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, इसके कॉमन लक्षण जो आपको समझ में आने चाहिए, मान लीजिए अचानक से आपका वजन बढ़ रहा है या आपका मासिक धर्म अनियमित हो गया है या आपको हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है या भूख कम लग रही है, आपको नींद ज़्यादा आ रही है, आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ रहा है, आपको डिप्रेशन रह रहा है, ये सभी सिम्टम्स अगर आपको अचानक लगने लगे हैं तो एक बार आप अपना थायराइड चेक थायराइड बैलेंस जरूर चेक करा लें, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है, स्पेशली वुमेन में ये बहुत कॉमन है। थैंक यू मैम इतनी डिटेल्स के लिए। और डॉक्टर पूनम, जैसे आप कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर क्या है और आमतौर पर महिलाओं में कौन से कैंसर पाए जाते हैं। एक्चुअली हमारी जो बॉडी है वो फ्रॉम बर्थ टू डेथ एक्चुअली में डिवाइड, उसकी सेल्स डिवाइड करती रहती है, परसिस्टेंट डिवीजन होता रहता है। कहीं किसी कारण से कोई इनसाइड फैक्टर्स या आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से अगर ये डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाता है विदाउट एनी स्टिमुलस विदाउट एनी कंट्रोल हो जाता है उसे हम कैंसर कहते हैं। तो अगर छोटे शब्दों में बोला जाए या सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो कैंसर इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ ह्यूमन सेल्स, सो दिस इज व्हाट कैंसर इज। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो सबसे कॉमन कैंसर इंडिया में सर्वाइकल कैंसर है जो कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहलाता है। सेकंड ब्रेस्ट कैंसर आता है, छाती का या स्तन का कैंसर। थर्ड नंबर पे आपका यूट्राइन या और ओवेरियन कैंसर्स आते हैं। लेकिन अगर हम डाटा देखें तो बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, बिकॉज शहरीकरण बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ काम पर जा रही हैं, शादी की एज लेट होती जा रही है, बच्चे कम
4-5 से लेकर 1-2 होने लगे हैं, या बहुत लेट मैरिजेस और लेट चाइल्ड बर्थ्स होते हैं, प्लस हार्मोन थेरेपीज फीमेल्स लेती हैं टू अवॉइड प्रेगनेंसी और अदर रीजंस, ये सब कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर अब धीरे धीरे हमारे यहाँ नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर या फर्स्ट पायदान पर आने लगा है। तो ये कहना अभी इस सिचुएशन में कि सर्वाइकल कैंसर पहले है या ब्रेस्ट कैंसर, थोड़ा सा कठिन है, बट अदरवाइज सर्वाइकल कैंसर इज द फर्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स आर हैविंग सर्वाइकल कैंसर, और सेकंड नंबर पे हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर आता है। आपको नहीं लगता डॉक्टर पूनम कि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ देना चाहिए कि वी हैव वैक्सीन्स अवेलेबल टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी डेफिनेटली, वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके मैम, और जैसे कि मैम आपने बातचीत के दौरान गर्भावस्था की बात की, और हम अक्सर देखते हैं गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को कुछ ना कुछ समस्याओं का, कुछ ना कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उसमें अंतःस्रावी जो विकार है आपका, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, वो भी होता है, तो वो क्या चीज़ है और उसमें क्या समस्याएँ हैं, कॉमन इशूज़ क्या हैं, आप उसे जानना चाहेंगे। सोफिया, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड एक्चुअली जब एक स्त्री गर्भावस्था की दौर से गुजरती है, प्रेगनेंसी इज अ स्टेट जब हमारे अंदर एक प्लेसेंटा फॉर्म होता है जो बच्चे को माँ से जोड़ता है, जिसको हम नाल बोलते हैं, बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। तो प्लेसेंटा जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो दैट एंडोक्राइन इट्स अ न्यू एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो एंड उसके कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है तो डेफिनेटली कुछ हॉर्मोन्स बनाएगा। तो प्लेसेंटा इटसेल्फ इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ऑर्गन। प्लेसेंटा से निकलने वाले कुछ हॉर्मोन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर डायबिटोजेनिक, तो उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज बढ़ने लगता है। मान लीजिए कि किसी कारण से या तो स्त्री में ऑलरेडी इंसुलिन की कमी है या इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, ऐसे में अगर हम और ऐसे हॉर्मोन्स बॉडी में सिक्रेट होने लगे जो डायबिटोजेनिक हैं या प्रो ग्लूकोज हैं, जो ग्लूकोज लेवल्स और बढ़ाएंगे, तो वो इंसुलिन जो उस बॉडी में, उसकी बॉडी में बन रहा था, वो उसको मैनेज नहीं कर पाता है। ऐसे में कई बार हमें मालूम पड़ता है कि प्रेगनेंसी के लास्ट टर्म तक आते आते, 8th मंथ में या 9th मंथ में, फाइनल ट्रिमेस्टर में आते आते, स्त्रियों का ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ने लगता है। तो दिस इज वेरी कॉमन, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज के नाम से जानते हैं। तो जेस्टेशनल डायबिटीज इज वन ऑफ द कंडीशंस जो प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, स्पेशली जैसा अभी डॉक्टर पूनम ने बताया कि नाउअडेज वुमेन इज गेटिंग मैरिड एट लेटर एजेस, प्रेगनेंसी इज कमिंग एट लेटर एजेस, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द चेंज लाइफ स्टाइल, हमारे जो आहार की परिस्थितियां बदल गई हैं, हमारा व्यायाम या हमारी जीवन शैली बदल गई है, उसकी वजह से हमारे यहाँ थोड़ा सा वुमेन का वेट, ओवर वेट भी होने लगा है। सो कंबाइंड तौर पे देखा जाए तो ये सब चीज़ें मिलाकर एक ऐसी पिक्चर बना देती हैं जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो लेटर टर्म ऑफ प्रेगनेंसी में बढ़ने लगते हैं। अब इसका नुकसान क्या होगा अगर हम नहीं कंट्रोल करें, मान लीजिए जेस्टेशनल डायबिटीज ना हम नोटिस करें, तो होगा क्या? हाई ब्लड ग्लूकोज में अगर एक बच्चा बड़ा हो रहा है तो बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है। अब अगर बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है, और डेफिनेटली जो बच्चा अंदर है, जो गर्भ है, उसके अंदर तो इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल ही हैं, उसका बॉडी सिस्टम, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी तो नॉर्मल ही है, तो उसको जब हाई ग्लूकोज लोड मिलता है तो उसका इंसुलिन उसका इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो बच्चे का जब इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाता है, एंड इंसुलिन जो है वो एक एनाबॉलिक हार्मोन है बेसिकली, सो इट्स अ एनाबॉलिक हार्मोन, तो बॉडी जो बच्चे का बॉडी मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव हो जाता है, वो बहुत एक्सेलरेट हो जाता है, तो बच्चा ज़्यादा बढ़ने लगता है। एंड इट इज़ नॉट, वो पुराना ज़माना नहीं है कि बच्चा जितना वजन वाला पैदा हुआ है तो आप कहेंगे कि वो बहुत अच्छा हेल्दी बच्चा है, नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ ख़राब है। तो अगर बहुत बड़े साइज का बच्चा हो रहा है, बच्चे का वजन ज्यादा बढ़ रहा है, 2.5 से 3 किलो तक एक नॉर्मल बच्चा माना जाता है, अगर बच्चे का वजन 3 किलो से ऊपर जाने लगता है तो दैट इज नॉट गुड, ना तो बच्चे के लिए ना माँ के लिए। अगर हम एक बड़े साइज के बच्चे की डिलीवरी नॉर्मली करवाएंगे तो यूट्राइन रप्चर, बच्चे के गर्भाशय के रप्चर का रिस्क रहता है। ऐसे बच्चे की डिलीवरी कराने में हो सकता है उसका शोल्डर, हमें बाहर निकालते वक्त शोल्डर डैमेज हो जाए, तो शोल्डर डिस्टोशिया जिसको हम बोलते हैं, तो इस तरह के छोटे डैमेजेस हो सकते हैं। प्लस डिरेंज्ड मेटाबॉलिज्म से बच्चे के अंदर जो अपने कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंसेज आ जाते हैं, तो दीज आर वेरी फ्यू कॉमन थिंग्स विच हैपन। अगर इसी परिस्थिति को हम इस तरह से देखें कि प्लेसेंटा है और उसके अंदर से और भी कुछ ऐसे हॉर्मोन्स निकलते हैं, जैसे आप मानेंगे HCG है, तो HCG लेवल्स बढ़ेगा प्रेगनेंसी में,
अब HCG और TSH की हमने बात करी थी, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और HCG का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो जैसे ही बॉडी में HCG लेवल्स बढ़ने लगते हैं, TSH लेवल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी को एक दोनों एक से ही लगते हैं। तो जब TSH लेवल्स कम होने लगते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो नॉर्मल प्रेगनेंसी जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमें TSH सप्रेस्ड मिलता है, तो कई बार हमें लगता है कि इसी समय मदर को थायराइड डिसऑर्डर्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो हमें एक समझने वाली बात है कि वो HCG लेवल्स बढ़ रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि हमें थायराइड डिसऑर्डर्स को नज़रअंदाज करना है, क्योंकि थायराइड डिसऑर्डर्स भी प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, और थायराइड हार्मोन बच्चे का जो अपना थायराइड ग्रंथि है वो डेवलप होने में टाइम लगता है, वो 12 से 20 हफ्ते बाद बच्चे का थायराइड ग्लैंड डेवलप होगा। तो इनिशियली वो केवल माँ के थायराइड हार्मोन पे डिपेंडेंट है, और अभी हमने बात करी कि जो ब्रेन डेवलपमेंट है बच्चे का वो पूरा थायराइड हार्मोन पे डिपेंडेंट है, तो मदर से ही बच्चे को थायराइड हार्मोन मिलना है, इसलिए शुरू के 12 हफ्ते से लेकर 20 हफ्ते तक वो बच्चा जो है वो माँ के थायराइड हार्मोन पर डिपेंडेंट है, तो माँ का थायराइड हार्मोन लेवल बैलेंस रखना हमें बेहद आवश्यक है। तो दोनों ही डिजीजेस, चाहे डायबिटीज हो, जेस्टेशनल डायबिटीज हो, या पहले से मदर डायबिटिक हो, चाहे टाइप 1 हो, चाहे टाइप 2 हो, और या फिर थायराइड डिसऑर्डर्स हो, दोनों ही एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें प्रेगनेंसी में बहुत ही केयरफुली हैंडल करने होते हैं, और उनके टाइट्रेशंस और टारगेट्स भी बहुत डिफरेंट हैं, बहुत टाइट हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें माँ और बच्चा या डीलिंग विद टू लाइफ, और दोनों ही जरूरी है बिल्कुल, दोनों ही बहुत डेलिकेट, हाँ, और दोनों ही एक नाजुक समय से गुजर रही है, क्योंकि इसीलिए पहले जमाने में जब इतनी शायद मेडिसिन एडवांस नहीं थी तो कहते थे कि डिलीवरी इज लाइक गिविंग अनदर बर्थ टू द मदर, द सेकेंड लाइफ टू द मदर, लेकिन कॉन्सेप्ट अब समझ में आता है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, और किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया, हाँ, बिल्कुल। थैंक यू मैम। और डॉक्टर पूनम, जैसे आपने कैंसर के बारे में जानकारी दी, तो साथ ही साथ जानना चाहेंगे कि स्क्रीनिंग क्या है और इसे किस तरह से सामान्य तरीके से हम कर सकते हैं। अगर मैं वर्ड टू वर्ड स्क्रीनिंग की डेफिनेशन के बारे में बात करूँ, तो स्क्रीनिंग इज एक्चुअली टेस्टिंग पीपल इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दोज हु हैव पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि हम लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनमें कोई वो बीमारी नहीं है, लेकिन हम उनको टेस्ट कर रहे हैं टू फाइंड आउट कि कहीं उनमें उस बीमारी के होने के चांसेस है नहीं, है तो नहीं, या फिर उनमें वो बीमारी के लक्षण आने शुरू तो नहीं हो गए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। मैं पर्टिकुलरली फीमेल, हम यहाँ क्योंकि वुमेन की बात कर रहे हैं, तो वुमेन कैंसर्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हम ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर में तीनों में स्क्रीनिंग के रोल आ गए हैं। ब्रेस्ट कैंसर में स्क्रीनिंग मैमोग्राम के थ्रू होती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से बहुत डरते हैं। बेसिकली स्क्रीनिंग मैमोग्राम कुछ नहीं है, एक बहुत छोटा सा एक्सरे होता है जो कि स्पेशली ब्रेस्ट की का फिल्म लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसमें बहुत लो डोज एक्सरेज दी जाती हैं जिससे हम ब्रेस्ट का इमेज लेते हैं, और इस इमेज से हम बहुत ही अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर लेते हैं। ये देखा गया है कि 90% फीमेल्स अगर इमेजिंग के थ्रू, स्क्रीनिंग मैमोग्राम के थ्रू डायग्नोस हुई हैं, तो उनमें क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों बहुत इम्प्रूव कर गई है। अब यहाँ बात ये आती है कि स्क्रीनिंग किस में कराई जा सकती है। एक्चुअली में तो अगर देखा जाए तो जिस तरह से परसेंटेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, तो स्क्रीनिंग की रिकमेंडेशन मोर देन 40 ईयर्स के बाद, यानी कि 40 साल की एज के बाद हर फीमेल के लिए हो गई है। ईयरली एक बार स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करा सकते हैं, लेकिन कुछ फीमेल्स हैं जिनकी पर्सनल हिस्ट्री है या तो ब्रेस्ट कैंसर की, यानी कि उनके एक स्तन में ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, या थायराइड कैंसर है, या लिम्फोमा, जिस या कोई ऐसा कैंसर जिसके कारण वो छाती या गले में रेडिएशन ले चुकी हैं, या उनकी मदर, उनकी ग्रैंड मदर या फादर को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल या ओवेरियन कैंसर रहा है। इस टाइप के जो जनरेशन होती है वो दे आर मोर प्रोन टू गेट ब्रेस्ट कैंसर। तो ऐसे लोग, ऐसी जनसंख्या में, ऐसी फीमेल्स में स्क्रीनिंग की एज जो है वो घटकर 30 इयर्स पे आ जाती है। इस कंडीशन में हम मेमो ना यूज करके जनरली स्क्रीनिंग MRI यूज करते हैं, बिकॉज उस समय ब्रेस्ट बहुत डेंस होता है, तो मेमो इज नॉट गुड टू डिटेक्ट द डिसीज, तो MRI इज द राइट चॉइस इफ यू आर गेटिंग द स्क्रीनिंग डन बिफोर 30 इयर्स ऑफ एज। सो दिस इज द थिंग वेयर वी यूज स्क्रीनिंग मैमोग्राफी और स्क्रीनिंग MRI फॉर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स। सेकेंड थिंग आती है सर्वाइकल कैंसर की बात, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, इसके लिए जांच होती है जिसे हम पैप्समियर कहते हैं। बेसिकली पैप्समियर जो होता है वो सर्वाइकल जो बच्चेदानी के मुंह से रिसाव होता है, या पानी कहते हैं या रिसाव कहते हैं, उसकी टेस्टिंग होती है, और ये टेस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 21 ईयर्स की एज से शुरू कर देते हैं और 30 ईयर्स तक ये हर साल करते हैं। आफ्टर दैट अगर हमें लगता है कि नेगेटिव है और कोई कुछ नहीं, तो उसको फिर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हम डिफाइन कर लेते हैं, इंडिविजुअलाइज होता है उसका।
सो दिस इज फॉर सर्वाइकल कैंसर. थर्ड थिंग आती है ओवेरियन कैंसर. ओवेरियन कैंसर के लिए एक मार्कर होता है CA125. ये एक ब्लड की जांच है, खून की जांच है, जिसके थ्रू हम इस मार्कर को टेस्ट करते हैं और ये हमें एक रफ आइडिया दे देता है कि ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस हैं या नहीं है. सो दीज आर द थ्री थिंग्स जो वुमेन में हम यूज कर सकते हैं स्क्रीनिंग के लिए व्हेन ये मतलब उस कंडीशन में जब उनको वुमेन को डिसीज नहीं है लेकिन या तो उसको फैमिली हिस्ट्री या कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है जहां उसे लगता है कि उसे हो सकती है ये बीमारी, या अदरवाइज उसकी एज इतनी हो गई है जैसे अब 40 है कुछ है, जहां वो एलिजिबल है ये स्क्रीनिंग लेने के लिए. सो दीज आर द मैथड्स वी कैन यूज फॉर दैट. थैंक यू मैम. और सर सॉरी मैम, जैसे अभी कैंसर की बात हो रही थी तो डायबिटीज भी हम सामान्यतः सुनते हैं कि बहुत कॉमन बीमारी आजकल हो गई है. थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि मैम महिलाओं में डायबिटीज यानी मधुमेह किस तरह से अलग है. कॉमन आपने जैसे बोला तो कोरोना से पहले हम डायबिटीज से के पेंडेमिक से ही लड़ रहे थे. अगर ये कोरोना नहीं आया था तो हम ये मान बैठे थे कि इन्फेक्शियस डिजीजेस के पेंडेमिक्स तो अब रहे नहीं है, अब तो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिसको NCD बोलते हैं, हम NCD के पेंडेमिक्स ही फेस कर रहे थे, उसी चैलेंज से लड़ रहे थे. जैसा पूनम ने शायद फर्स्ट अपने थोड़ी देर पहले बताया कि 2050 में हर 10 में से एक को कैंसर होगा एंड इट्स अ डेंजरस सिचुएशन, भयावह है ये परिस्थिति. अगर इस नजर से देखें तो हम डायबिटीज के लिए आज ही उस भयावह परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि आज इंडिया में, हिंदुस्तान, भारत में और पूरे विश्व में, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, हर 10 में से एक को डायबिटीज है. और आप मानेंगे नहीं, हर 5 में से एक को ये पता ही नहीं है कि उसको डायबिटीज है. सो वी आर एक्चुअली फेसिंग द वर्स्ट पेंडेमिक ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. कमिंग टू वुमेन, बिकॉज सूफिया जानना चाहती हैं कि वुमेन और डायबिटीज में क्या फर्क है. सबसे पहले तो अगर हम भारतीय स्त्रियों की बात करें तो भारतीय वर्ड जहां आ जाता है एशियन एथनिसिटी आ जाती है. हमारी जो सबसे कमजोर वीक महिलाएं मानी जाती है ना, लीन थिन पॉपुलेशन, इवन वो भी रिस्क पर है. अब इसका कारण भी स्त्रियों के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है क्योंकि हमारे जो विसरल ओबेसिटी माना जाता है या विसरल फैट माना जाता है, चर्बी जिसको बोलते हैं, उस चर्बी का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अंदर स्पेशली वेमेन में इतना फर्क है कि हमारे अंदर जो इंट्रा एब्डोमिनल फैट है, विसरल फैट है, वो ज्यादा है. उसी तरह से आप देखेंगे कि जो हमारी शरीर की संरचना है, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, फिगर आप देखेंगे तो वुमेन इज नोन टू हैव अ पियर शेप बॉडी, कि उनका पूरा फैट पेल्विस पे होता है. तो जो पेल्विस फैट है वो ज्यादा डेंजरस है. व्हाई? बिकॉज जो एडिपोकाइनेंस, हमारा जो एडिपोज टिश्यू है, अभी बात करेंगे कि एडिपोज टिश्यू भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है एक्चुअली, तो उसमें से भी बहुत सारे हॉर्मोन्स निकलते हैं. उनमें से एडिपोकाइनिन जिसको हम माना जाता है, एडिपोनेक्टिन जिसको हम बोलते हैं, इनके लेवल्स बदल जाते हैं. तो जो पेल्विक फैट है वो ज्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू द एब्डोमिनल फैट. इसीलिए जब हम बात करते हैं BMI की, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स, वो आज इतना अहमियत नहीं रखता है जितना वेस्ट हिप रेशियो रखता है. क्योंकि उसी हाइट के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो हो सकता है उसी हाइट के हिसाब से आपका वजन आपको सूट करता हो, लेकिन अगर आपकी हाइट कम है और वेट ज्यादा है तो फिर आपकी परिस्थितियां ज्यादा खराब है. सो वुमेन इज, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन हैज अ शॉर्टर हाइट. वी ऑल नो कि अगर हम सेम एज पॉपुलेशन और सेम एथनिसिटी, अगर हम एक ही रेस की बात करें तो ऑल एवरीवेयर यू विल फाइंड कि वुमेन थोड़ी शॉर्ट होती हैं एज कम्पेयर टू द मैन ऑफ दैट सेम एथनिसिटी. देन वुमेन जो है वो थोड़ी सबक्यूटेनियस फैट उनमें ज्यादा होता है, चर्बी की मात्रा ज्यादा होती है. देन यू विल फाइंड कि वुमेन के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो एज कम्पेयर टू मैन ज्यादा होते हैं. आज भी हमारी मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन को हम कहें कि आप ट्रैक सूट्स में आके एटलीस्ट 1 घंटा वॉक करें या दौड़िए, तो उनके साथ बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो रिजर्वेशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं. देन आहार की बात करते हैं तो वुमेन इज मोस्टली ऑन द साइड कि अगर बच गया है तो फेंकना नहीं है, खा लेना है. सो हम ओवर ईट कर रहे हैं अननोइंगली. सो वुमेन एंड डायबिटीज आर मोर क्लोजली रिलेटेड, बिकॉज एक तो डायबिटीज होने की संभावना बढ़ गई, दूसरा अगर एक बार मधुमेह हो गया तो हम इन वुमेन को ना तो लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर पाते हैं या मोटिवेट कर पाते हैं, इनका मैनेजमेंट भी डिफिकल्ट हो जाता है. क्योंकि कुछ दवाइयां, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ पायोग्लिटाजोन की, तो पायोग्लिटाजोन इज नोन टू कॉज बोन फ्रैक्चर्स, ऑस्टियोपोरोसिस.
तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो मैं विमेन ग्रुप को अपनी जो मेरे विमेन पेशेंट हैं उनको नहीं देना पसंद करते हैं. तो दीज आर कॉम्प्लिकेशंस. देन देयर आर ड्रग्स व्हिच माइट कॉज मोर डिप्रेशन. और विमेन इज बाय नेचर अ मोर इमोशनली वल्नरेबल ग्रुप, थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव ग्रुप है. तो मुझे ट्रीटमेंट भी सोचना पड़ता है कि किस विमेन ग्रुप को मुझे डायबिटीज को कैसे मैनेज करूं, इनकी लाइफस्टाइल को कैसे मॉडरेट कर मैनिपुलेट किया जाए, कैसे इनको हाउ टू एक्सप्लेन हाउ टू मोटिवेट देम. फिर आता है चैलेंज उनको सस्टेन करने का. घर में कोई भी काम होगा तो वो विमेन हैज टू हैंडल. तो सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. हमारा आज एक्सरसाइज पे हम नहीं गए क्योंकि आज बच्चे का एग्जाम था, या आज हमारे घर में शादी थी, या कुछ भी एनीथिंग फॉर दैट मैटर. लेकिन सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल हिट होता है. सो डायबिटीज एंड विमेन आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज वन दे आर मोर वल्नरेबल टू गेट डायबिटिक, उनको ज्यादा संभावनाएं हैं. सेकेंडली अगर उनको डायबिटीज होती है तो उनको कंट्रोल मैनेज करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है. थर्डली जो हम पहले फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं कि विमेन हमारे यहाँ वैसे भी थोड़ा सा निग्लेक्टेड ग्रुप है, तो उनकी डिजीज लेट सामने आती है, तो वो पता ही बहुत बाद में लगता है जब तक शायद कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी हो चुके होते हैं. देन लास्टली विमेन को थोड़ा सा ये शुरू से माना जाता है कि मानसिक स्ट्रेस ज्यादा रहता है, मानसिक तनाव ज्यादा रहता है, तो उनकी बीमारियों को उनकी बातों को शायद पुरुष वर्ग बहुत सीरियसली लेता भी नहीं है. तो देर आर मेनी चैलेंजेस विच पुअर वुमन इज एक्चुअली फेसिंग विच वी नीड टू स्टैंड अप फॉर. बिल्कुल मैम, और कहीं ना कहीं आपकी बात सही है कि वक्त रहते अगर वो उस पर ध्यान दे लें तो हाँ बहुत सी चीजों को पहले से सामने आ जाए. या हम जिसे हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. तो अगर हम प्राइमोर्डियल स्टेट से ही बचपन से ही बच्चों को ये समझा के बड़ा करें कि डाइट क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज 45 मिनट्स या 30 मिनट्स ऑफ विग्रस फिजिकल एक्टिविटी हमें करनी ही है, जिसमें कार्डियो एक्सरसाइजेज एंड मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज शुरू से हमारे जीवन का एक हिस्सा है, तो शायद हम डायबिटीज जैसी बीमारी को तो होने ही ना दें. बिल्कुल, वी कैन एक्चुअली प्रिवेंट डायबिटीज. बिल्कुल. और मैम जैसे पूनम मैम आपसे जानना चाहेंगे कि हम हर बीमारी से जुड़े हुए कुछ मिथकों की बात सुनते हैं, तो कैंसर से रिलेटेड क्या मिथक हैं और क्या तथ्य हैं जो आप. वेल सोफिया, अगर इस पर बोला जाए तो शायद पूरा सेशन ही खत्म हो जाएगा, पर फिर भी जो मेन कुछ हैं जहाँ जो रोज हम फेस करते हैं वो है. सबसे पहली चीज तो ये है कि कैंसर कोई डेथ सेंटेंस नहीं है. प्लीज इस चीज से अब हमें जरूरत है इस चीज से बाहर आने की. पहला सोच कैंसर के होते ही लोगों का ये होता है, या पहला जो एक कॉमन ओपिनियन मिलता है वो ये है कि अब कैंसर हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, इट्स अ डेथ सेंटेंस, अब तो बस ठीक है सेवा करो एंड ऑल दैट. ऐसा कुछ नहीं है. कैंसर भी एक जैसे शुगर, बीपी, टीबी, ये सब बीमारियां हैं, ऐसे ही कैंसर एक बीमारी है. और आज की कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये एक क्रॉनिक कंडीशन बन गई है जिसका लाइफ लॉन्ग एक फॉलोअप या ट्रीटमेंट रहता है. डिपेंड करता है कि आप उसको किस स्टेज में किस स्थिति में हमारे पास लाते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, और कितना रेगुलरली रिचुअली आप उसको ट्रीट कराते हैं. आमतौर पर पेशेंट या तो बहुत लेट आते हैं, या फिर आने के बाद में भी उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जब उन्हें बताया जाता है तो उसके बाद भी उसे या तो गैप्स में कराते हैं, एक पार्ट करा लिया फिर उसका गैप दे दिया फिर करा लिया, या फिर जो भी ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं इसमें मल्टीपल गैप्स होते हैं, जिसकी वजह से जो हमें रिजल्ट्स मिलने चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ या क्वांटिटी ऑफ लाइफ हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है. सो कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस, इट्स जस्ट अ डिसीज, इट्स जस्ट अ क्रॉनिक कंडीशन. क्योंकि अब ये स्थिति आ गई है कि हम स्टेज फोर कैंसर में भी क्यूरेबल ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, यानी कि उन्हें खत्म करने वाले ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं. तो इतनी अच्छी सिचुएशन में भी हमारे पास पेशेंट जब भी आते हैं वो ये इसी डर के साथ आते हैं कि उस रिलेटिव को इस तरीके का कैंसर हुआ था, वो 6 महीने में चला गया या साल भर में चला गया. यू कैन नॉट कंपेयर इट, बिकॉज उसको किस ग्रेड का, किस साइट का, किस स्टेज का कैंसर था ये आपको नहीं पता. दूसरी बात, उसकी खुद की जनरल कंडीशन, उसकी जेनेटिक कंडीशन, जेनेटिक्स जो थे उसके वो क्या थे वो भी नहीं हमें पता है. तो एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से कंपेयर करके डिसीजन ले लेना या ये सोच लेना कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, दिस इज वेरी बैड एंड दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, विच आई फील अकॉर्डिंग एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट. सेकेंड चीज जो सबसे सेकेंड नंबर पे जब आती है कि ठीक है हमने सोच लिया हम ट्रीटमेंट कराएंगे, अब आती है बायोप्सी कराना या FNAC कराना. उससे बहुत सारे लोग डरते हैं, उन्हें लगता है कि सुई डाली और ट्रीटमेंट करा तो सुई डाल के जहां जांच होगी वहां वो पूरा फैल जाएगा. ये सोच कहां से डेवलप हुई है इसके बारे में तो अभी नहीं पता हम लोगों को शायद, वरना आंसर करना और ईजी हो जाएगा. बट एक्चुअली में FNAC और बायोप्सी कुछ नहीं है, बस हम उस एक छोटे से कैंसरस टिश्यू को या सेल को लेते हैं, उसकी जांच करते हैं, जो कि हमें दो तरह से हेल्प करती है. पहली बात तो हमें वो एक प्रूफ देती है कि हाँ आपको कैंसर है,
क्योंकि अब साइंस इतनी आगे बढ़ गई है कि कैंसर के जैसी दिखने वाली बहुत सारी और बीमारियां हैं जो साथ में हो सकती है, तो उसको डायग्नोज करना या उसको प्रूफ करना कि हाँ ये कैंसर ही है वो उसी के थ्रू किया जा सकता है। सेकेंड थिंग, उसकी फर्दर जाँचें होती हैं जिन्हें हम IHC या इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं, जिसके बेसिस पर हम मल्टीपल ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस आपको दे सकते हैं जो कि पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। अभी मेडिकल साइंस की तरक्की की वजह से रिसेंटली कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपीज डेवलप हो गई हैं, और अगर उनका ट्रीटमेंट हमें लेना है तो हमें डेफिनेटली बायोप्सी या FNAC कराना जरूरी है, बिकॉज विदाउट दैम वी कैन नॉट मेक आउट कि आपके शरीर में कौन से कैंसर ने किस प्रकार की जीन्स को इन्वॉल्व किया हुआ है और उसके अगेंस्ट हम कौन सी ड्रग आपको दे सकते हैं विच कैन बी बेस्ट फॉर यू। एक जनरलाइज ट्रीटमेंट देने की बजाय हम आपके लिए जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है आपकी जेनेटिक कंडीशन के हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं। सो FNAC या बायोप्सी कभी भी आपकी बीमारी को फैलाते नहीं है, इस मिथ्या को तोड़ना बहुत जरूरी है। प्लस जब तक आप FNAC या बायोप्सी नहीं कराएंगे कोई भी डॉक्टर कैंसर का ट्रीटमेंट आपको नहीं दे सकता है, तो जितना डिले आप इस जांच में करेंगे उतना डिले आपकी ट्रीटमेंट में होगा, ये श्योर शॉट है। थर्ड थिंग जो आती है वो है हेयर फॉल, बालों का झड़ना, स्पेशली फीमेल्स में। ये सच है कि बाल झड़ते हैं, ठीक है, कैंसर का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं बाल झड़ते हैं, लेकिन ये एक अधूरा सच है, बेसिकली इसका ये पूरा नहीं है। बाल जाते हैं और डेफिनेटली जाते हैं, लेकिन हर कीमोथेरेपी या हर दवाई या हर प्रकार के कैंसर का इलाज से बाल नहीं जाते हैं। कुछ स्पेशल दवाइयां होती हैं जिनका ये साइड इफेक्ट होता है कि जिनकी वजह से सिर के बाल चले जाते हैं, बट वो टेम्परेरी हेयर लॉस होता है, 3 या 6 महीने में वो बाल दोबारा आ जाते हैं, और यकीन मानिए वो क्वालिटी मच बेटर होती है। अगर कहीं हम कभी मेंशन कर सकें तो फोटोज दिखाना चाहेंगे कि वो मच बेटर क्वालिटी के बाल आते हैं। तो परमानेंट हेयर लॉस नहीं होता है, ये टेम्परेरी हेयर लॉस होता है जो कि एक ड्रग का साइड इफेक्ट होता है। और कुछ स्पेशल टाइप के ही कैंसर में जब हम ड्रग्स देते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं उनमें बाल जाते ही हैं, ल्यूकीमिया के बच्चे हैं उनमें जाते ही हैं, सो दीज आर स्पेशल कंडीशंस। सेकेंड थिंग, रेडिएशन के बारे में भी लोग ये सोचते हैं कि रेडिएशन देंगे तो बाल चले जाएंगे। एक्चुअली रेडिएशन से सिर के बाल कभी नहीं जाते, क्योंकि रेडिएशन आपकी सिर्फ उस लोकल साइट को, उस पर्टिकुलर जगह को ट्रीट कर रहा होता है जहां पर आपको कैंसर है। तो हाँ, अगर उस जगह पर बाल हैं तो उनका लॉस जरूर हो सकता है, पैची हेयर लॉस होता है। जैसे अगर हम सिर का ही रेडिएशन कर रहे हैं तो पैची हेयर लॉस होगा, हालांकि अब मशीनें इतनी आधुनिक आ गई हैं कि वो बहुत कम लॉस होता है, बट स्टिल होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह समझने की जरूरत है कि अगर कीमो से आपके बाल गए हैं तो दे विल कम बैक, डेफिनेटली दे विल कम बैक आफ्टर 3 मंथ्स, और रेडिएशन से सिर के बाल तो नहीं जाते हैं बट जाते हैं तो मामूली सा। और एक होता है कि अगर मेरी फैमिली में, दो तरीके से ये क्वेश्चन मेरे सामने आया है, पहला तो अगर मेरी फैमिली में कैंसर है तो, अगर मेरी फैमिली में कैंसर है तो क्या मुझे 100% कैंसर होगा, एक या तो इस तरह से आता है ये क्वेश्चन, या फिर आता है कि मेरी फैमिली में तो कैंसर है नहीं तो मुझे कभी होगा ही नहीं। ये बहुत कॉमन मिथ है। बेसिकली 5-10% कैंसर ही ऐसे हैं जो फैमिलियल होते हैं, तो ये कहना कि मेरी फैमिली में कैंसर नहीं है इसलिए मुझे नहीं होगा, या है तो जरूर होगा, ये गलत है। तो ये कुछ कॉमन मिथ्स हैं जिनके हम रोज रूबरू होते हैं, बट वही मैंने कहा ये टॉपिक ऐसा है जिसपे घंटों बोला जा सकता है। थैंक यू मैम। डॉक्टर मीना, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाओं में PCOD एक आम लक्षण है, और ये क्या है और क्या करने की आवश्यकता है? PCOD इज अ वेरी कॉमन टॉपिक, एक्चुअली द यंग गर्ल्स आर फेसिंग दिस चैलेंज। एक लड़की जब बड़ी हो रही होती है तो उसको सबसे पहला, आपने एड्स देखे होंगे, एक पिंपल हो गया, एंड शायद दैट इज द मोस्ट कॉस्मेटिक ब्रांड मार्केटिंग की फलाना लोशन एंड दिस क्रीम एंड दैट सोप एंड दिस एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन TV एड्स ऑल्सो। बट जो पिंपल है, वन पिंपल इज ओके, बट अगर बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं दैट इज उनको हम एक्ने बोलते हैं। सेकेंडली, एक्ने के अलावा उसके कई बार हेयर ग्रोथ भी, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं कि बेड मुस्टैच आने लगता है। नॉर्मल फेशियल हेयर जो अपने थिन विलस हेयर है उनकी बात नहीं कर रहे, जो थिक मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ है अपर लिप पे आ रहा है या बेड एरिया में आ रहा है, सो उसको हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं। उसी के साथ में यूजली दीज गर्ल्स विल गिव यू द हिस्ट्री कि उनके पीरियड्स भी इरेगुलर है, दे हैव लॉन्ग साइकिल्स, कभी 2 महीने कभी 3 महीने, दे आर वेरी इरेगुलर। तो ये जो पूरा स्पेक्ट्रम बनता है ना कि एक्ने है, फेशियल हेयर ग्रोथ है, अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ जिनको हम अवांछित बाल बोल रहे हैं, या इरेगुलर साइकिल्स हैं, ये पूरा स्पेक्ट्रम प्रैक्टिकली देखा जाए तो दिस इज अ कंडीशन वेयर मेल हॉर्मोन्स आर डोमिनेटिंग। यूजली हमें पता है कि जब भी बच्चे हैं जो
भ्रूण होता है उसमें मेल हार्मोन्स भी होते हैं, फीमेल हार्मोन्स भी होते हैं, दोनों। लेटर ऑन इट इज डिसाइडेड कि एक एक्सेस सप्रेस होती है, दूसरी एक्सेस प्रीडोमिनेट करती है। तो मेल्स में फीमेल एक्सेस सप्रेस होगी और मेल हार्मोन्स डोमिनेट करेंगे, वाइस वर्सा गर्ल्स में जो मेल हार्मोन्स है या मेल एक्सेस है वो सप्रेस होगी और फीमेल एक्सेस प्रीडोमिनेट करेगी। अब बाय द डिफॉल्ट ऑफ नेचर, ऐसा उनमें बच्चियों की कोई गलती नहीं है, हमारे माता पिता की कोई गलती नहीं है या कोई परिवारों की गलती नहीं है, लेकिन बाय द फॉल्ट ऑफ द नेचर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़कियों में मेल हॉर्मोन्स ज़्यादा बनने लगते हैं। तो मेल हॉर्मोन्स के दो सोर्स होते हैं फीमेल्स में, या तो ओवरी से आ रहे होंगे या तो एड्रिनल करके एक सुपरा रीनल ग्लैंड होता है, किडनी के ऊपर होता है, सुपरा रीनल या एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, या तो एड्रिनल ग्लैंड से मेल हॉर्मोन्स आएंगे या ओवरी से आ रहे होंगे। तो ये जो मेल हॉर्मोन्स हैं ये जब प्रीडोमिनेट करते हैं तो गर्ल्स में मेल फीचर्स लाइक उनका बॉडी जो मसल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी थोड़ा सा हैवी होगा, वॉइस उनकी थोड़ी थिक हो सकती है, या उनका फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है, एक्ने क्योंकि बहुत ऑयली स्किन हो जाएगी, मेल स्किन होगी, थिक स्किन होगी, तो ऑयली स्किन से एक्ने हो सकते हैं, एंड बिकॉज मेल हॉर्मोन्स हैं तो डेफिनेटली फीमेल हॉर्मोन्स सप्रेस हुए हैं तो पीरियड्स इररेगुलर हो जाते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कि आजकल ये परिस्थितियाँ ज़्यादा क्यों बन रही हैं वो है अगेन कमिंग बैक हमारी जीवन शैली। इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल है। ओवेरियन लेवल पे जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो मेल जो हमारा ओवम सिक्रीशन है वो इंटरप्ट होता है, जो फीमेल हॉर्मोन्स हैं वो इंटरप्ट होते हैं, ईस्ट्रोजन लेवल्स डिक्रीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मेल हॉर्मोन लेवल्स बढ़ने लगते हैं। तो दैट इज अगेन लाइफ स्टाइल डिपेंडेंट। वजन अगर लड़कियों में ज़्यादा है, डाइट हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमने बच्चों को शुरू से पिज़्ज़ा बर्गर एंड बहुत ज़्यादा मैदे वाली मैदा है, बहुत शुगर बेस्ड या हाई कार्ब फूड से बड़ा किया है, तो डेफिनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा पाया जाता है। सो पीसीओडी जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, बेसिकली पॉलीसिस्ट क्या होता है, हर महीने एक अंडा बनता है उसको रिलीज होना होता है और ओवरी में ऑलरेडी बहुत सारे अंडे होते हैं जो एक लाइन से बने होते हैं। अब चूंकि कि पीसीओडी में ये ओवम जो है वो रिलीज नहीं हो पाता है तो ओवरी के अंदर जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो वो एक माला के फॉर्म में ऐसे लगता है कि बहुत सारे मोती ऐसे सजा रखे हैं ओवरी में चारों तरफ, तो छोटी छोटी सिस्ट दिखती हैं, उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या चूंकि कि सिंड्रोम है पूरा, एक्ने भी होगा, हिर्सुटिज्म भी होगा, पीरियड्स इररेगुलर होंगे, वेट गेन होगा, तो पूरा एक स्पेक्ट्रम बन गया, क्लस्टर ऑफ डिजीजेस सिम्टम्स है जो साथ चलते हैं, तो हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो पीसीओडी या पीसीओएस एक लाइफस्टाइल डिजीज है जिसको हम चाहें तो प्रिवेंट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग अ वेरी रेगुलर एक्सरसाइज प्लान, फॉलोइंग अ हेल्दी डाइट राइट फ्रॉम द बिगनिंग। अगर प्यूबर्टी के आसपास यानी कि 8 साल से 13 से 15 साल तक अगर लड़कियां वजन ज्यादा बढ़ता है उनका तो पीसीओडी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, पेरी प्यूबर्टल वेट गेन जो है वो ज्यादा हार्म करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि हर पीसीओडी लड़की मोटी ही होगी या हर मोटी लड़की को पीसीओडी होगा, तो यहाँ पर इसका मतलब कहीं ना कहीं जीन्स भी हैं, जेनेटिक्स भी अपना रोल प्ले करेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर मदर को या सिस्टर बड़ी बहन को पीसीओडी की हिस्ट्री है या फैमिली में कहीं बुआ मासी कहीं पीसीओडी की हिस्ट्री है तो वो हो सकती है। हाँ, तो इवन लीन थिन लड़कियों में भी हमें पीसीओडी मिलता है। डॉक्टर पूरम, जैसे कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मीनल ने जिक्र किया सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का, तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे ये क्या है और किस तरह से ये लिया जाता है। सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है उसके काफ़ी सारे कारण होते हैं, जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज, अनअटेंड डिलीवरीज, डाइट रेंट्रेड डिलीवरीज या फिर मल्टीपल अबॉर्शंस। उनमें एक और कारण जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन। ह्यूमन पैपिलोमा जनरली ये देखा गया है कि सर्वाइकल कैंसर के 90% पेशेंट्स में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन पाया गया है, तो उसके अगेंस्ट हमने एक वैक्सीन अप्रूव हुई है जो कि 2008 से अप्रूव्ड है। ये वैक्सीन HPV के दो स्ट्रेन 16 और 18 के अगेंस्ट होती है, सर्वेरिक्स के नाम से ये मार्केट में है और इसको आफ्टर 9 ईयर्स आइडियल एज जो लेने की है वो है 9 to 13 years तक, जब पहला सेक्शुअल कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है, सेक्शुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, बट आफ्टर दैट ऑल्सो टिल 45 years फीमेल्स कैन टेक दिस वैक्सीन। अगर ये 9 से 13 साल की एज में ली जाती है तो इसकी सिर्फ 2 doses दी जाती हैं एट 0 and 6 months, बट अगर आप इसको 15 to 45 years की एज में लेते हैं तो 3 dose होती हैं 0, 1 and 6 months पे।
और ये दो स्ट्रेन्स हैं 16 और 18 जिनके अगेंस्ट होती है। अगर किसी को ऑलरेडी HPV का इन्फेक्शन हो चुका है वो भी इस वैक्सीन को ले सकता है ताकि आगे के स्ट्रेन के लिए उसको इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। ओनली कंडीशन जिसमें ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए वो है प्रेगनेंसी, बिकॉज अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो 6 मंथ्स तक यानी कि 3rd डोज तक आपको वेट करना है कि आपकी वैक्सीन कम्प्लीट हो जाए। इसके अलावा एक और वैक्सीन आती है गार्डासिल, जो 4 स्ट्रेन्स होते हैं 6, 11, 16 और 18, वो भी मार्केट में है, बट जनरली इंडियन पॉपुलेशन में सर्वेरिक्स इज अ गुड ऑप्शन। थैंक यू मैम। जाते जाते अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमें देखने वाले सभी महिला दर्शकों के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप कुछ ना कुछ संदेश दें, तो डॉक्टर मीनल पहले आपसे निवेदन। वुमेन इज द सोल पावर, शी इज द पावर ऑफ वुमेन हुड इज बियॉन्ड एनीथिंग। तो इसलिए आई वुड लाइक टू से वन थिंग, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई हैव फेल्ड, no matter how many false starts I have made, no matter how hardly the world tries to pull me down, I know I can make my dreams come true. Very nice. Thank you. Rupunama. Well, मैं तो एक ही बात बोलूँगी, life is a one time journey and there is no return ticket. As a female, सबसे बड़ी problem या सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है me time, my time का ना होना, lack होना। और शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से जो एक इमोशनल, फिजिकल या मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को हम फेस करते हैं उसका कहीं ना कहीं कारण है कि हम अपनी पूरे दिन की जिंदगी, पूरे दिन के कार्यक्रम में 10 मिनट अपने लिए नहीं रख पाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, एज ए फीमेल आपको पता है आपको क्या करना है, आप बहुत अच्छे से जानती हैं, आप बहुत कुछ मैनेज कर रही हैं। और शास्त्रों में महिला को स्फटिक कहा गया है, स्फटिक मीन्स जिसके चारों तरफ से लाइट निकलती है। तो यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ओनली थिंग जो आपको एक एक्सेप्ट करने की जरूरत है वो ये है कि अगर आप अपनी दिन से 10 मिनट अपने आप को दे देंगी तो दुनिया कहीं चेंज नहीं होगी, दुनिया में कुछ बदलाव वो नहीं हो पाए होगा कि कुछ रुकेगा नहीं। सो जस्ट गिव 10 मिनट्स टू योर सेल्फ, स्पेशली अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल वेलबींग के लिए, क्योंकि सिर्फ फिजिकली फिट होना जरूरी नहीं है, यहाँ भी सबको जरूरत है एक फिटनेस की। और बाकी ये है कि जो भी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होते हैं उनको आप अटेन करें, उनके जो भी फैसिलिटीज हैं उनको लें। हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि बहुत जरूरी है क्राइसिस में, वो आपकी बहुत हेल्प करता है, उसे अवेल करें। एंड दैट्स इट, लिव लाइफ, लव लाइफ, एंजॉय लाइफ। थैंक यू। यानी पहले मैं या अपने बारे में सोचना स्वार्थी नहीं, जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं आप दोनों का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, साथ ही जो दर्शक हमसे जुड़े हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगी। और आशा करती हूँ कि कार्यक्रम से मिली हुई जानकारी का वो जरूर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।